हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेका मरहबा और हाय वेलकम टू मैक फिल्म्स और मैं हूं आपका दोस्त मसूद आलम। मिलते हैं आज एक नए ब्लॉग के साथ। तो जो लोग जानते हैं कि मैं हेल्थ ब्लॉग्स ही बनाता हूं, तो आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो हेल्थ से रिलेटेड रहने वाला है। कि टाइटल में तो आपने देख ही लिया होगा क्या है, तो मैं आगे आपको बताता हूं कि इसके हमारे हेल्थ के लिए, स्किन के लिए और हेयर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं कि हम लोग ब्लॉग की शुरुआत करते हुए कि विटामिन ई ऑयल। अब हर कोई जानता है कि विटामिन ई ऑयल किस लिए यूज करते हैं हम लोग, बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, बट इसका मेन पर्पस क्या है कि विटामिन ई ऑयल होता क्या है। बेसिकली ये एक फैट सोल्यूबल कंपाउंड जो कि बहुत सारे प्लांट ऑयल्स में होता है और बहुत सारे लीव्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है उसमें होता है। अब इसका काम क्या है, ये एक न्यूट्रिएंट है और एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। अब जब ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है तो जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, उनको हील करने में हेल्प करता है, जिसका इफेक्ट आपको इंटरनली मिलता है और एक्सटर्नली मिलता है। इसीलिए इसको स्किन विटामिन भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, विटामिन ई जो है ये एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज। एंड एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट का तो मतलब पता ही, एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या हुआ, जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो भी किसी भी तरीके की जो जलन होती है उनको ये कम करने का काम करता है, जिसका इफेक्ट आपको स्किन में मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जितनी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है इसको वो कम कर देता है, और ये प्लांट और ग्रीन वेजिटेबल में तो पाया ही जाता है। अब विटामिन ई कमर्शियली हम लोग एज एन एंटीऑक्सीडेंट इसलिए यूज करते हैं टू कीप फ्री फ्रॉम फैट्स, एज वेल एज इट इज फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल एज वेल एज इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जो लोग बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको पता होगा कि विटामिन ई ऑयल जो है वो उसके अंदर मिक्स होता ही है और बहुत जगह पर यूज होता है। अब इसको किस तरीके से यूज करना है वो मैं दिखा देता हूं आपको। अब विटामिन ई को जो है हम लोग यूज करते हैं क्रीम के साथ, जिसको हम लोग स्किन के ऊपर लगाकर रात में सो सकते हैं, जो एक हल्का सा बोलते हैं आपको ग्रीसी जैसा होता है, जैसे क्रीम लगाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपा जैसा रहेगा, तो वो आपके काम आएगा रात में हीलिंग के लिए। इसके लिए इसको रात में यूज करते हैं। और एरियाज लाइक क्यूटिकल्स यू कैन यूज इट एट एनी टाइम। क्यूटिकल्स मतलब कि जो हमारे नाखूनों के आसपास का जो हिस्सा होता है उसको क्यूटिकल्स बोलते हैं, तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। विटामिन ई को कैप्सूल जो मिलती है उसको स्क्वीज करके आप फिंगर टिप्स से यूज करके और कंटेनर में भी रख सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं, आंखों के नीचे लगा सकते हैं। और विटामिन ई के कुछ ड्रॉप्स आप लोग एज अ टोनर के लिए भी यूज कर सकते हैं आपके स्किन के लिए, और जो भी आप मॉइस्चराइजिंग पाउडर या लोशन यूज करते हो, क्योंकि हर लोगों की स्किन अलग होती है, किसी की स्किन ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की जो टी जोन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो माथे से लेकर जो नाक तक का हिस्सा होता है वो ऑयली रहता है, बाकी का साइड नॉर्मल रहता है, तो उसको कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। जहां पर दोनों चीज हो, ड्राई और क्या कहते हैं ऑयली, ये दोनों चीज जहां पर आती हो, तो वहां के लिए भी आप विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो यूज कर सकते हैं। अब जो विटामिन ई है इसको यूज करने से और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये प्रोवाइड्स कंडीशन टू एनवायरमेंटल एक्सपोज स्किन, यानी कि जो स्किन आप जैसे बाहर घूमते हो, एनवायरमेंट में रहते हो, धूप में रहते हो, छांव में रहते हो, तो वहां पर यह एक्सपोज स्किन जब आपके सन के साथ होती है तो ये आपके ग्लो करने के लिए, स्किन रिपेयर करने के लिए काम आती है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एंटीऑक्सीडेंट है, और ये क्या करता है, मान लीजिए जो एनवायरमेंट में जो भी आप एक्सपोज होते हो, स्किन जब एक्सपोज होती है सन के अंदर, तो ये विटामिन ई आप जब लगाते हो तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर, जो बैरियर की तरह काम करता है, तो जो भी हार्मफुल मान लीजिए रेज जो सन से आ रही है तो वो डायरेक्ट आपकी स्किन पर नहीं अटैक करेगी, वो विटामिन ई का जो लेयर है वहां पर अटैक करेगी। और जिनको इरिटेशन होती है स्किन पे, जो पोल्यूशन और सन की वजह से टैनिंग और डैमेज होता है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि डिस्करेजेस सीबम ऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट ब्लैकहेड्स। बहुत लोगों को ब्लैकहेड्स की समस्या होती है नाकों पे, तो क्या होता है जब आपको यहां पर लगाते हैं तो ब्लैकहेड जो बनते हैं यूजुअली जब एक्सपोज होते हैं सन में, तो विटामिन ई का यूज करने से वहां पर वो चीज बनना बंद हो जाती है, यानी कि ब्लैकहेड्स के जो पोर्स है उनको वो क्लोज कर देता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ब्लैकहेड्स नोज पे नहीं आएंगे। दूसरी बात है कि ये लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, जो करीब आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो स्किन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है जब आप एनवायरमेंट में होते हो, यानी कि बाहर के एटमोस्फेयर में होते हो, तो स्किन आपकी ड्राई रहती है। ड्राई होने का मतलब क्या है, जो स्किन के अंदर जो वाटर होना चाहिए
वो नहीं हो पाता। तो विटामिन ई का यूज करने से क्या होगा, आपकी स्किन के अंदर वाटर रहेगा तो आपकी स्किन जो होगी वो लचीली रहेगी, रिंकल्स बहुत कम हो जाएंगे। और जब इसको यूज करोगे सनस्क्रीन के साथ विटामिन सी को और ई को, तो ये आपके सन यानी कि जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है एसपीएफ क्रीम जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो आपकी सनस्क्रीन होती है उससे 4 गुना बेटर रिजल्ट विटामिन ई देता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि स्किन तक बता रहा था, लेकिन अब इसके बेनिफिट्स क्या है स्किन और हेयर के लिए। तो सबसे पहला जो है कि सन प्रोटेक्शन का काम करता है, दूसरा कंट्रोल्स एलर्जिक रिएक्शन, जिनको एलर्जिक रिएक्शन होते हैं चेहरे पे डस्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तो वो कम हो जाते हैं। हाइड्रेशन यानी कि चेहरे को और हाइड्रेट रखता है। जो एजिंग के सिम्टम्स होते हैं रिंकल्स के, स्किन ढीली पड़ना, तो वो सब बंद हो जाती है। स्किन के अंदर जो रेडनेस होता है, जिनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, थोड़ा धूप में चलेगा चेहरा लाल लाल हो जाता है, तो विटामिन ई का यूज करने से वो कम हो जाएगा। और अगर हम बालों की बात करें तो अगर आप यूज करते हैं एज फॉर हेयर, तो आपके जहां पर बाल कमजोर हो रहे थे वो जड़ों से मजबूत हो जाएंगे, उनका थिकनेस और जिसको वॉल्यूम कहते हैं यानी कि बालों के घने हो जाएंगे आपके बाल, और बहुत ही अच्छी शाइन आएगी आपकी हेयर के अंदर जब आप विटामिन ई का यूज करते हैं फॉर हेयर। और जो ऑयल प्रोडक्शन होता है बालों के अंदर से या स्किन का, तो वो बैलेंस कर देगा। ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि लोगों को पता नहीं होता हमारे जो हेयर्स हैं वो भी ऑयल रिलीज करते हैं, इसलिए मना किया जाता है कि ऑयल लगा के आप बाहर मत घूमें। क्यों? क्योंकि जब आप ऑयल लगा के बाहर घूमते हैं तो उसके अंदर डस्ट, एलर्जीज, जो भी डस्ट पार्टिकल्स एनवायरमेंट में है वो आपके हेयर में चले जाएंगे और धीरे धीरे वो क्या कर देंगे, आपके पोर्स को ब्लॉक कर देंगे। पोर्स को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, जो ऑयल रिलीज करेंगे हेयर्स वो नहीं रिलीज कर पाएंगे, जिस वजह से आपके जो जड़ों हैं जड़ों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ये चीज का आप बहुत ध्यान रखिए। विटामिन ई का बहुत फायदे हैं, लोग इसके बारे में जानते नहीं है। और कुछ बेनिफिट्स है हेयर, स्किन और हेल्थ के लिए, क्योंकि जो आज का ब्लॉग था हम लोगों ने स्किन कवर कर लिया, हेयर भी कवर कर लिया, अब हेल्थ के बारे में। हेल्थ में क्या क्या होगा, सबसे पहली चीज देखेंगे हेयर के लिए कि डिक्रीज प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जिनके बाल हल्के हल्के सफेद होना शुरू हो गए, हल्के हल्के ग्रे होना शुरू है, वो कम हो जाएंगे। दूसरी बात, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ स्प्लिट एंड्स, स्प्लिट एंड्स होते हैं जो बाल के दो मुंह हो जाते हैं, तो विटामिन ई का सेवन करने से वो भी नहीं होंगे। स्कैल्प और हेयर आपके ग्रोथ अच्छी होगी और आपका हेयर ग्रोथ जो होगा और बेटर होगी। ये हो गया हेयर के लिए। स्किन के लिए क्या होगा कि ये एज अ मॉइस्चराइजर काम करेगा फॉर ड्राई स्किन, और आजकल मार्केट में 70% विद इन अ एज के बाद आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, क्योंकि बॉडी ऑयल जो है स्किन नहीं सिक्रीट कर पाती, हाइड्रेशन नहीं रह पाती, जिससे स्किन ड्राई हो जाती, तो ये वो बैलेंस कर देगा। आपके जो ड्राई लिप्स होते हैं उसको मॉइस्चराइजर की तरह काम करेगा। उसके बाद जो सनबर्न्स होते हैं जो टैनिंग के वजह से धूप में घूमने से, उसको प्रिवेंट करेगा। और जो स्ट्रेस मार्क्स आपके बॉडी में आते हैं, यानी कि आदमी जब मोटापे से वेट लॉस करता है स्ट्रेस मार्क्स रहते हैं, तो ये यूज करने से वो भी कम हो जाएंगे। और जो थर्ड बात है जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है हेल्थ। हेल्थ के लिए क्या होता है, जो बॉडी के अंदर आपके बैड कोलेस्ट्रॉल होता है डिपॉजिट, वो कम कर देगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्किन कैंसर लोगों को होता है, क्योंकि जो यूवी प्रोटेक्शन है वो हम लोग हर कोई नहीं यूज कर सकता, तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो कम हो जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड सर्कुलेशन, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब ब्लड सर्कुलेशन अगर इंप्रूव होगा तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विटामिन ई बहुत फायदेमंद है जिनको एक्जिमा और सोराइसिस की बीमारी है। एक्जिमा और सोराइसिस ये दोनों जो बीमारियां हैं ये बेसिकली स्किन से होती हैं। स्किन के ऊपर मोटी मोटे गांठ बनना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम लोग कॉर्न कॉर्न भी कहते हैं, बहुत सारे लोगों को कॉर्न होने लगता है, तो एक्जिमा और सोराइसिस ये उसी का है। तो ये चीज यूज करने से आपका हेल्थ प्रॉब्लम जो स्किन की है वो सॉल्व हो जाएगी। तो होप करता हूं गाइज आज का जो हेल्थ ब्लॉग था फॉर रिलेटेड टू विटामिन ई आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जो बेटर इन्फॉर्मेशन मैंने विटामिन ई की दी है ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। देखिए मैं जो व्लॉग बनाता हूं उसका पर्पज ये है कि जो बेसिक चीजें आपको मालूम नहीं हो वो मेरे वीडियो के थ्रू आपको पता चले। वैसे विटामिन ई के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट हमने वही कवर किए जो इंसान को या हम लोगों को डेली लाइफ में यूज होगा। यो जो चीजें कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो विटामिन ई का यूज करने से या सेवन करने से वो चीज कम हो जाएगी। तो अगर कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप फील फ्री करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और होप करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं ऐसे ही कोई खूबसूरत से ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।